हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। अगर सही से जिंदगी मैनेज करें तो हेल्दी रहना बहुत मुश्किल नहीं है। खान पान में संतुलन रखें और सोच व बर्ताव को बेहतर बनाएं तो आप आसानी से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए खुद को किन चीजों से जोड़ें और किन्हें माइनस करें, यही है इस वीडियो का विषय। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। हर आदमी की जिंदगी में सेहत और खुशी की अहमियत होती है। सेहत और खुशी एक दूसरे से जुड़े हैं। इन्हें साधने के लिए खान पान से जुड़ी छोटी छोटी बातों के साथ साथ संगीत और नींद की भी अहमियत को जानना और उसके प्रति जागरूक बने रहना भी जरूरी है। ऐसा करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में थोड़े से उलटफेर की जरूरत होती है। बस इस थोड़े से फोकस करने की वजह से आपकी दिनचर्या आसानी से अच्छी हो जाती है और अच्छी दिनचर्या के साथ आप बिना दवाई या बहुत कम दवाई के भी छोटी बड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए आपको TBF फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसमें T का अर्थ है थॉट, B का अर्थ है बिहेवियर और F का अर्थ है फूड। इन तीनों के प्रति हमारा लगातार जागरूक रहना जरूरी है। इनमें बेहतर सामंजस्य और संतुलन न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है बल्कि हमारे रिश्ते भी बेहतर बनाए रखता है। इससे हम ज्यादा खुश रहते हैं और घर बाहर हर जगह बेहतर परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर लोग इनमें से सिर्फ एक या दो को साथ पाते हैं जिससे उन्हें वह फायदा नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं टी यानी थॉट के बारे में। सकारात्मक सोच के साथ सुबह की शुरुआत हो तो दिन अच्छा गुजरता है। हकीकत यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। हर समय इस सोच से काम करें कि अच्छे तरीके से कोई भी काम करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। तो आइए अब जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले उठते ही बेड पर आराम से बैठें और आंखें बंद करके 1 मिनट तक गहरी सांस लें। इस दौरान अपने माता पिता, टीचर, ईश्वर इत्यादि को याद करके उनके प्रति आभार व्यक्त करें, उन्हें मन ही मन धन्यवाद करें। अगर हम इन 3 लिविंग गॉड यानी माता पिता, शिक्षक और सूर्य देव के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण और सम्मान रखें तो कामयाबी और खुशी दोनों हासिल होगी। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का एक बेसिक फंडा है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब कि जैसा अंदर डालेंगे वैसा ही बाहर आएगा। कमोबेश यही सिद्धांत इंसान के दिमागी कंप्यूटर पर भी लागू होता है। बुद्धिमान और संयमित लोग ऐसे कचरे को अंदर आने से रोकने के लिए दिमाग के दरवाजे पर एक सशक्त स्कैनर लगाकर रखते हैं। इससे कचरा बाहर ही रुक जाता है। और आइए अब जानते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहें। इस पर गौर करना जरूरी है कि कौन कौन से विचार हैं जो हमारे दिमाग को बिना मतलब के उलझाते और परेशान करते हैं। उनकी पहचान करने के बाद उनसे मुक्ति के लिए जरूरी है कि दिन भर अच्छे कामों में व्यस्त रहें। बीच में अगर कोई निगेटिव विचार आए या कोई निगेटिव व्यक्ति आए तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाकर पॉजिटिव जोन में लौटें। ऐसा मत सोचें कि यह नहीं हो पाएगा। नियमित अभ्यास से यह सब करना आसान हो जाता है। रात में सोने से पहले सकारात्मक सोच विचार में थोड़ा वक्त बिताएं और उसका चिंतन मनन करें। कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ना भी अच्छा है। चाहे किताबी ज्ञान की बातें हों या प्रैक्टिकल की, अच्छे स्रोतों की संख्या जिंदगी में बढ़ते रहने से हर जगह प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। और आइए अब बात करते हैं बी यानी बिहेवियर की। हमें बचपन से यह सिखाया और बताया जाता है कि न सिर्फ अपने से बड़ों से बल्कि संसार में हर शख्स से अपनी पूरी मानवीय संवेदना के साथ पेश आना चाहिए। अपनी बात और बर्ताव से किसी को भी आहत करने की कोशिश न करें। खासकर बॉस प्रवृत्ति वाले लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता या पद आज है, क्या पता कल रहे ना रहे। लोगों के साथ आपके द्वारा की जाने वाली बदसलूकी की बदबू हमेशा आपके आसपास बनी रहेगी। यह उन्हें जिंदगी भर कमजोर करने के साथ साथ परेशान भी करती रहेगी। किसी के साथ भी गलत या अमर्यादित व्यवहार करने से हम खुद सबसे पहले निगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं। किसी को नीचा दिखाना बड़े होने की पहचान नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व में बड़ी कमी को दिखाता है। खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर देखेंगे तो आप इससे परहेज करेंगे। हर आदमी को स्वाभिमान प्यारा होता है। इंसान अपनी गरिमा और मर्यादा को कायम रखना चाहता है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जैसा व्यवहार
आप दूसरों से चाहते हैं हमें भी वैसा ही व्यवहार उनसे करना चाहिए और नियमित रूप से खुद को तलाशें और तराशें भी। और आइए अब बात करते हैं तीसरी चीज यानी एफ, जिसका अर्थ है फूड। फूड बेहद अहम होता है, आखिर जो कुछ भी हमारे मुंह से पेट तक जाएगा उसका फायदा या नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा, उसका अवशेष भी हमारे शरीर से ही निकलेगा। अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। एक सामान्य इंसान को सुबह का नाश्ता सबसे पौष्टिक और ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, दोपहर का खाना नाश्ते की तुलना में थोड़ा हल्का और रात का खाना तो बिल्कुल ही सादा और हल्का होना चाहिए। और आइए अब जानते हैं डाइट के कुछ खास टिप्स के बारे में। सुबह के नाश्ते में सबसे पहले एक चम्मच शहद लें, उसके बाद एक छोटी कटोरी भर अंकुरित चना, मूंग इत्यादि आप खाएं और साथ में थोड़ा सा गुड़ और ड्राई फ्रूट्स भी लें और इसे खूब चबाकर खाएं। नाश्ते में चना या जौ का सत्तू, चूड़ा दही, रोटी दाल, हरी सब्जी सलाद, टोस्ट और ऑमलेट इत्यादि भी आप खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी खाने बैठें चिंता मुक्त हो जाएं, जो भी खाएं आराम से और खूब चबाकर और स्वाद लेकर खाएं। खाते वक्त टीवी ना देखें, मोबाइल पर बात ना करें और ना ही कुछ पढ़ें। दोपहर के खाने में चावल या रोटी के साथ दाल, मौसमी हरी सब्जी, दही और सलाद का सेवन करें। रात को खाने को सादा और हल्का रखें। खाना जल्दी यानी रात के 8 बजे तक खा लें। सोने से पहले एक कप या एक ग्लास गुनगुने दूध का सेवन अवश्य करें। खाने में फल और सब्जियां बेहद जरूरी हैं। पर्याप्त फल और सब्जी न खाने से हार्ट, किडनी और लीवर से जुड़ी समस्याओं का शिकार बनने का अंदेशा बना रहता है। जिस इलाके में रहते हैं वहीं पर उगने वाले फल और सब्जियां खाएं, आपको ये ताजा मिलेंगे और सस्ते भी। मौसमी फल सब्जियां ही हमेशा खाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई चीजें खाने से पौष्टिकता कम मिलती है। सुबह नींद से जगने के अधिकतम 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना अच्छा है। नींबू, आंवला, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जीरा, अजवाइन, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, हरी पत्तेदार मौसमी सब्जियां, केला, पपीता, नारियल और मौसमी फल, इन चीजों को किसी न किसी रूप में हर दिन खाने की कोशिश करें, भले ही मात्रा कम क्यों ना हो। और आइए अब बात करते हैं अन्य अनाजों के बारे में। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है गेहूं का। नए गेहूं से बेहतर होता है पुराने गेहूं का आटा। आटे से चोकर को हम निकाल देते हैं, लेकिन चोकर यानी फाइबर को बाहर निकालना सेहत के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चोकर के साथ कई जरूरी पोषक तत्व तो आटे से निकल जाते हैं। मैदे का सेवन इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता। खाली गेहूं की रोटी बनाने से बेहतर है कि मिक्स ग्रेन की रोटी खाएं। मिक्स ग्रेन की रोटी बनाने के लिए आप 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और जौ के साथ चना और मटर मिलाएं। और आइए अब जानते हैं दूसरे अनाज के बारे में, जो है चावल। सेहत के लिहाज से सफेद चावल सही नहीं है, क्योंकि पॉलिश के दौरान आम चावल से विटामिन बी सहित कई पोषक तत्व निकल जाते हैं और फाइबर भी घट जाता है। सेहत के लिए ब्राउन राइस या उसना या सेहला चावल या बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना लाभदायक होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से फाइबर के साथ साथ विटामिन बी और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन इत्यादि भी मौजूद होते हैं। और आइए अब बात करते हैं तीसरे अनाज यानी दाल के बारे में। दाल प्रोटीन का एक बहुत अच्छा और सस्ता स्रोत है। पॉलिश की हुई दालें देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए। साबुत दाल यानी छिलका युक्त दाल सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। हर दिन खाने में इसे शामिल करें। दालों में मौजूद पोषक तत्वों को हमारा शरीर अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसका रोजाना सेवन आपको करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि रात में दालों का सेवन ना करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और अंकुरित दाल अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक होती है। और आइए अब जानते हैं चौथी चीज यानी तेल के बारे में। पेड़ पौधों से हासिल तेल हेल्थ के लिए सबसे अच्छे होते हैं। यही कारण है कि भारत में सरसों, नारियल, मूंगफली के तेल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तेल जैतून और सूरजमुखी का तेल भी अच्छा है। रिफाइंड तेल के सेवन से आपको बचना चाहिए। तेल के उपयोग के मामले में इस बात का ध्यान रखें कि 2 बार से ज्यादा तलने में इस्तेमाल किए गए तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे यूज तेल की तो बर्बादी होगी, लेकिन आप हृदय रोग और एसिडिटी जैसी बीमारियों से बच जाएंगे। और तेलों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रखा है। और आइए
अब बात करते हैं पांचवी चीज यानी फल और सब्जी के बारे में। मौसमी फल और हरी सब्जी और साग जैसे पालक, मेथी, चना और सरसों इत्यादि, यानी वे फल, सब्जी या साग जो मौसम विशेष में बाजार में बहुतायत में उपलब्ध होते हैं, का सेवन हमारे शरीर के लिए सबसे लाभकारी होता है। बेमौसम की सब्जियां हो या फल, उनके सेवन से हमारे शरीर को अपेक्षित पोषण नहीं मिल पाता और ये जेब पर भी भारी पड़ते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि लोग जहां रहते हैं वहां के स्थानीय फल और सब्जियों को ही ट्राई करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं छठवीं चीज ड्राई फ्रूट्स के बारे में। ड्राई फ्रूट्स बेहतर पोषण देते हैं। बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, मूंगफली, पिस्ता, खजूर इत्यादि को भी नियमित रूप से खाएं। मिक्स ड्राई फ्रूट खाएं तो मात्रा 30 ग्राम से ज्यादा ना हो। इसमें आप 7 से 8 बादाम, 7 से 8 काजू, 1 से 2 अखरोट, 10 किशमिश या 5 मुनक्के और कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट जैसे खजूर, अंजीर इत्यादि भी 1-2 मात्रा में खा सकते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट नाश्ते के रूप में लें और इन्हें खाने के करीब 1 घंटे बाद तक कुछ न खाएं। और आइए अब बात करते हैं कि पानी कब और कितना पिए। हमारे शरीर में करीब 60% पानी होता है। शरीर में पानी की कमी हो जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने लगती हैं। लिहाजा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। वैसे पर्याप्त पानी पीना ही नहीं बल्कि सही तरीके से भी पानी पीना चाहिए। ज्यादातर लोग पानी पीते नहीं बल्कि गटकते हैं, जैसे कि उन्हें पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है। सही तरीका यह है कि धीरे धीरे पानी पिए और वह भी बैठकर आराम के साथ। खड़े खड़े बोतल के मुंह से पानी उड़ेलना और फटाफट गटकना सही नहीं है। हमें रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इतना ही नहीं, हम कब कब और कितना पानी पीते हैं इसका भी हमारी सेहत से गहरा ताल्लुक है। रोज सुबह नींद खुलने के बाद कम से कम 1 ग्लास गुनगुना पानी अवश्य पिए। ज्यादा फायदे के लिए गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें। खाने के फौरन पहले, खाने के बीच में और खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। बेहतर पाचन के लिए खाना खाने के कम से कम 30 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पीने की सलाह दी जाती है। सेहत के लिहाज से ग्लास में मुंह लगाकर आराम से चाय या कॉफी की तरह सिप करते हुए पानी पीना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि इससे हमारा शरीर हाइड्रेट हो रहा है। यही सबसे अच्छा तरीका पानी पीने के लिए माना गया है। शरीर जितना हाइड्रेट रहेगा हम उतना ही स्वस्थ रहेंगे। खासकर रात में सोने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना चाहिए। इससे हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन स्ट्रोक की आशंका कम होती है। सच तो यह है कि पानी के माध्यम से ही हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। ऐसे में कम पानी पीना शरीर की परेशानी बढ़ाता है। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि मानसिक तनाव हो तो आप पानी के 2-4 घूंट भी पिए तो इससे आपको सुकून होगा। दूसरों को पानी पिलाने के मुहावरे को सही साबित करने के बजाय खुद पानी पीने की कला में पारंगत होना हर दृष्टि से बेहतर हेल्थ की गारंटी है। जब तक खुद पानी पीने का सही तरीका नहीं अपनाएंगे समस्याएं बनी रहेंगी। तो आज पहले पार्ट का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे खुशी के खास सूत्र कौन से हैं के बारे में जरा विस्तार से। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।